हेलो स्टूडेंट्स, मॉडल्स आर इसके अंदर आगे ही थोड़ा सा हमने मॉडल्स के बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ा था, उसमें थोड़ा ही टॉपिक था, थोड़ा सा इसमें से पढ़ लेते हैं। मॉडल्स आर वर्ब्स यूज टू एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। इनकी वो क्या बताती है, जो स्पीकर बोलने वाला जो होता है उसका मूड या उसका एटीट्यूड व्यवहार उसका बताती है, ठीक है। दे आर यूज टू गिव एडवाइस, सीक और गिव परमिशन। किस लिए यूज करते हैं वो इसको, एडवाइस परमिशन के लिए, सजेशंस, मेक सजेशन, मेक पोलाइट रिक्वेस्ट, गिव इन्विटेशंस, etc. द मोस्ट कॉमनली यूज मॉडल्स आर कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, और टू, नीड, डेयर। आस्किंग फॉर एंड गिविंग परमिशन के लिए हम कौन सा मॉडल यूज करते हैं, हम मे, कैन एंड कुड, ठीक है। अब इसके अंदर आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है। प्रीति, मम्मी आई एम ए फुली हंग्री, कैन आई ईट दिस बटर बिस्किट्स। मदर, वाई नॉट, यू कैन ईट ऑल ऑफ देम इफ यू लाइक, ठीक है। विनय, कुड आई यूज योर फोन प्लीज। मिस्टर भूषण, यस ऑफ कोर्स, उसको पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और कैन के अंदर वो ज़्यादा थोड़ी परेशान है इसलिए वो कैन लगा देती है। उसके बाद है मे का यूज दे रखा है इसमें, रितु, एग्जांपल देख सकते हो आप। मे आई गो टू मेडिकल रूम मैडम, आई एम फीलिंग गिडी। अब मैडम क्या कहते हैं, यस प्लीज डू। टू आस्क और गिव परमिशन वी यूज, इनकी हम परमिशन देने के लिए और पूछने के लिए यूज करते हैं कैन, कुड और मे, ठीक है। कैन का हमने पहले भी यूज किया था ना, किस लिए, वो भी हमने परमिशन नहीं ले रखी थी, अपनी मम्मी से परमिशन ले रही है ये कैन, ठीक है। और उसकी मदर परमिशन दे भी रही है उसको, तो परमिशन देने और लेने के लिए दोनों के लिए कैन यूज किया जा सकता है, कैन, कुड और मे। कैन इज़ इनफॉर्मल, कुड इज़ वेरी पोलाइट, मे इज़ फॉर्मल। इनकी इनफॉर्मल है ये, अनौपचारिक है, ऐसे ही कह दिए कुछ भी। और जैसे हमारे घर में कोई आता है तो हम उसको उसका साथ और ज़्यादा फॉर्मल हो जाते हैं ना, औपचारिक हो जाते हैं। और घर में हमारे बहन भाई हैं तो हम उनके साथ इनफॉर्मल रहते हैं। तो ये कुड इज़ वेरी पोलाइट, कुड होता है बहुत ज़्यादा नम्र होता है। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। द चॉइस डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड द स्पीकर्स रिलेशन टू द रिलेशनर। ये कहता है कि चॉइस है वो क्या कहते हैं, डिपेंड्स ऑन इनकी स्थिति कैसी है हमारे साथ उसके ऊपर डिपेंड्स करती है। एंड द स्पीकर्स रिलेशन टू द लिसनर, और जो स्पीकर का रिलेशन है सुनने वाले के साथ उस पर भी डिपेंड करते हैं। आस्किंग फॉर थिंग्स, किसी चीज़ के लिए पूछना, कैन, कुड, मे, विल, ठीक है, इनका यूज किया जाता है। टू आस्क फॉर थिंग्स वी नॉर्मली यूज कैन और कुड। कैन आई हैव दिस पिलो कवर्स प्लीज, कुड यू पास ऑन द साल्ट प्लीज। मे इज़ आल्सो पॉसिबल बट बीइंग वेरी फॉर्मल इज़ नॉट प्रिफर्ड। ज़्यादा इनकी ज़्यादा फॉर्मल के लिए इसको प्राथमिकता नहीं दी जाती। मे कभी पॉसिबल हो सकता है। हाउएवर वी कैन यूज विल इफ़ वी लाइक। कई बार हम कहते हैं विल भी यूज कर सकते हैं हम, यदि हम पसंद कर सकते हैं तो। विल यू पास ऑन दिस साल्ट प्लीज, पॉसिबिलिटी। मे माइट, बोथ। मे माइट का यूज किया जाता है पॉसिबिलिटी के लिए। बोथ मे माइट आर यूज टू सजेस्ट पॉसिबिलिटी, बट माइट सजेस्ट ए लेसर पॉसिबिलिटी देन मे। इनकी मे और माइट दोनों ही पॉसिबिलिटी को सजेस्ट करते हैं, परंतु माइट है वो क्या करता है, कम पॉसिबिलिटी दिखाता है मे के मुकाबले। इन दीज सेंटेंसेस कुड इज आल्सो पॉसिबल, और इन सेंटेंसेस में जहाँ मे और माइट आता है वहाँ कुड भी आ सकता है। ही कुड बी इन हीज ऑफिस बट कुड सजेस्ट स्टिल लेसर पॉसिबिलिटी इनकी, परंतु कुड क्या होता है, कम पॉसिबिलिटी का दिखाता है। कुड को ज़्यादातर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज किया जाता है। मस्ट डजंट हैव ए पास्ट टेंस फॉर, सो वी कैन यूज मस्ट टू टॉक अबाउट द प्रेजेंट और द फ्यूचर। ये कहते हैं मस्ट की जो कोई है ना कोई उसकी पास्ट फॉर्म नहीं है, इसलिए हम मस्ट को कैसे यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के लिए ही हम इसको यूज करते हैं। वी मस्ट फोन सतीश नाउ, प्रेजेंट है ये, ठीक है, प्रेजेंट टेंस है। नाउ का मतलब और टुमारो का मतलब फ्यूचर हो गया। वी मस्ट फोन सतीश टुमारो, ये फ्यूचर है, इसमें कोई पास्ट में बात नहीं कही गई। शुड इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज मस्ट और हैव टू।
शुड उतना यानी कि स्ट्रोंग नहीं होता जितना मस्ट और हैव टू होता है। इनकी मस्ट का मतलब तो ज़रूरी होता है, हैव टू का मतलब भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। शुड का मतलब तो चाहिए, ठीक है। यू शुड डू योर होमवर्क, अब तुम करते हो नहीं करते ये तो होता, तो यू मस्ट डू योर होमवर्क। एक बार तो मैं आपको ये बात कह दूँ, और आपको कोई चलते रास्ते में कह दे, ठीक है, रास्ते में चलते हुए कोई आपको कह दे, आपको चाहे आपको पड़ोसी हो या और कोई हो थोड़ा जानने वाला, यू शुड डू योर होमवर्क, तो लेकिन मैम की तरफ से तो क्या होना चाहिए, यू मस्ट डू योर होमवर्क, ठीक है। लुक एट दिस एग्जांपल, यू शुड वियर ए हेलमेट व्हाइल ड्राइविंग ए मोटर बाइक, और टू कन्वेज द सेम सेंस एज शुड, इनकी जो ओट टू है वो भी वही सेंस कन्वे करता है जो कि शुड करता है, बट इट कैरीज विद इट ए सेंस ऑफ मॉरल ड्यूटीज, लेकिन ये क्या करता है अपने साथ एक मॉरल ड्यूटी भी दिखाता है, सेंस इनकी मॉरल ड्यूटी की भावना भी रखता है। यू ओट टू टेक केयर ऑफ योर ओल्ड पेरेंट्स, यू ओट टू सर्व योर कंट्री, ठीक है।